हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, 6:30 बज रहे हैं शाम के, और ये देखिए जस्ट अभी मैंने पूजा की है, शाम की पूजा मेरी हो चुकी है। ये देखिए अभी तुरंत मैंने आरती की, पूजा की, और देखिए आपके सामने ही अभी देवांश आए हैं खेल के। तो काफी देर हो गई, इसको बहुत देर से आए हो, तुमको बुलाने जाना पड़ेगा क्या? तो देखिए हमारी तनु ये लेटी हुई है, और आज फिर इसकी थोड़ी सी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जब बनाने जा रही हूँ, एक बहुत ही खास डिश बनाने जा रही हूँ। ये हमारी उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में बहुत ही फेमस है और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। तो ये डिश मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल से, तो मैं आज आपको दिखाती हूँ। तो बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। और ये देखिए मैंने फ्रिज से निकाल लिया, तो रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए लहसुन, मिर्ची और अदरक। तैयारी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले लहसुन छील लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें लहसुन ज़्यादा पड़ता है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा सा लहसुन डालेंगे, अदरक डालेंगे, मिर्ची डालेंगे और हरी धनिया बाद में डालेंगे, और इसमें कुछ मसाले भी पड़ेंगे। तो अभी मसाले भी हम निकालेंगे तो अभी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लहसुन छील लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे लहसुन लगभग छील चुके हैं, और ये देखिए इतने सारे लहसुन ये डालने हैं हमको, बाकी बस इतना आप नहीं डालेंगे। और इसमें मिर्ची डालेंगे, हरी मिर्च है, अदरक का टुकड़ा है, बाकी इसमें अभी खड़ी धनिया पड़ेगी। और ये देखिए ये चने की दाल। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसको जा रहे हैं अब पीसने, और इसको पीस के फिर हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी का नाम, इसके कई नाम हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम हैं। तो जो लोग जानते हैं तो इसको फरा कहते हैं, और कुछ लोग इसको भकोसा बोलते हैं, कुछ लोग इसको पंडुब्बा कहते हैं। अलग अलग स्थान के हिसाब से इसके नाम लिए जाते हैं। तो फिलहाल हमारे यहाँ इसे फरा बोला जाता है। तो आज मैं बनाऊंगी फरा चने की दाल का, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, बस चने की दाल और आटे से बन जाता है, और लहसुन मिर्ची और थोड़े से मसाले पड़ते हैं, और बहुत ही इजीली बन जाता है। तो हमारे यहाँ इसको लोग नाश्ते में भी खाते हैं और खाने में भी खाते हैं, तो जिसको जैसे पसंद होता है वो इसे वैसे खाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये चने की दाल भिगो दी थी, और भिगो के, और ये देखिए मैंने अच्छे से धुल लिया है इसको। धुलने के बाद अब इसको पीसना है, और पीस के तब फिर इसका फरा बनेगा। तो ये देखिए ये है मसाला, इसमें धनिया है, जीरा है, काली मिर्च है और इलायची है। फ्रेंड्स, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखिए कितना पसीना निकल रहा है। और मैंने चने की दाल पीस ली है, तो मैंने चने की दाल पीसी है सिलबट्टे में, और मैं मसाला भी जा रही हूँ अब सिलबट्टे में ही पीसने, क्योंकि मुझे मिक्सी का मसाला थोड़ा कम पसंद आता है और सिलबट्टे पे ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा हुआ मसाला, इसकी खुशबू, इसकी महक जाती नहीं है। सारी तैयारी हो चुकी है, और ये देखिए मैंने जो मसाला अभी दिखाया था वो मैंने मसाला पीस लिया है। इसमें नमक डाल दिया है, और ये हरी धनिया है, और जो अदरक का टुकड़ा लिया था इसको मैं इसमें घिस के डालूंगी। तो अदरक का टुकड़ा घिसने से इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि जब पिस जाती तो फिर पता नहीं चलती है, और जो टुकड़े टुकड़े रहते हैं मुंह में पड़ती है तो अच्छी लगती है मुझे, तो इसलिए हम हमेशा अदरक घिस के डालते हैं। और इसमें देखिए हींग डालेंगे, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो भगोने में चढ़ा दिए हैं देखिए पानी, और इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल, ताकि फरे आपस में चिपके ना। ये देखिए हमने तेल डाल दिया है। तनु भैया क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं भैया, इसको तो टीवी बंद कर दे, पढ़ाई करें। तो जब तक ये पानी उबलेगा तब तक हम तैयार करते हैं अपना आटा। और आटे में मैं सिंपल कुछ भी नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा नमक हल्का सा, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं। वैसे मैंने पानी में नमक डाल दिया है,
कोई खास जरूरत नहीं है। तो मैंने ये छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल ली हैं और उसके बाद ये देखिए उसके ऊपर जो मैंने चने की दाल बना के पीस के रखी थी मिक्स करके, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, रख दिया। और फिर इसको दोनों तरफ से मोड़ देंगे, जैसे गुजिया बनती है गुजिया का शेप दे देंगे, और फिर बन गए हमारे फरे। इसके बाद अब हमने इसको डाल दिया है उबलते हुए पानी में। देखिए पानी हमारा बहुत अच्छे से खोल गया है, काफ़ी अच्छे से उबल गया है, और इसमें एक एक करके सारे फरे डाल दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फरे की टिकिया बनाने की दो विधि है, एक मैंने आपको बता दी है जो छोटी छोटी गोलियां बना के, और दूसरी ये है कि बड़ी सी आटे की ऐसे रोटी बेल लेंगे ऐसे करके, जैसे रोटियां बनाते हैं बड़ी सी रोटी। तो फ्रेंड्स, मेरा पीढ़ा था छोटा, वैसे अधिकतर पीढ़ा छोटे ही होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं, तो हमने इसको बड़ा करने के लिए थाली का यूज़ किया है, बड़ी सी थाली का। ये देखिए बड़ी सी थाली में मैंने बड़ी सी रोटी बना ली, और अब इसको आप जितना साइज में चाहें उतना साइज में गोल गोल काट लीजिए, वैसे भी अच्छी अच्छी टिकिया बन जाती है। तो हमने ये देखिए एक ग्लास लिया है बड़ा सा, और एक दो तीन चार, और ये देखिए पांच टिकिया बन गई है एक बार में, और इसको निकाल देते हैं। ये देखिए बन गई, ये देखिए एकदम गोल बनी है एक साइज की। तो फ्रेंड्स, मेरे फरे ये देखिए सारे पड़ गए हैं, ये देखिए, और अच्छे से उबल रहे हैं। और इसमें मैंने कुछ फरे छोटे डाले हैं, कुछ मैंने बड़े डाले हैं, क्योंकि जो छोटे फरे हैं वो मेरे बच्चे खाएंगे ऐसे ही प्लेन, और जो बड़े हैं उनको काट के हम फ्राई करेंगे। ये हमारे फरे ये देखिए बन के तैयार हो गए हैं, और अभी ये बहुत गर्म है, तो जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी तनु तो प्लेन ही खाती है, इस वजह से देखिए तनु हमारी खा रही है, कैसे लग रहे तनु, अच्छे बने हैं, खा लो। तो मैंने फरे काट के उसमें जीरा प्याज हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के उसे मैंने फ्राई कर दिया है, और अभी अच्छे से फ्राई हो गए और खाने के लिए रेडी है।